बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत क्या बताऊं। देखिए लोकसभा आई थिंक मेहनत हम सब करते हैं, और इतना ही कहूंगा कि हम लोग कहानियों में बहुत कोशिश करते हैं कि फ्रेशनेस हो, उस लिहाज से शायद वो जब ऑडियंस को पसंद आ जाती है तो ज्यादा अलग से निकल के आती है या उसकी बात अलग से हो जाती है, क्योंकि उद्देश्य ये होता है कि कुछ नया बनाए। लेकिन इसमें हमारा जो एक हेरिटेज फील है और जो हमारी कहानी का एक थोड़ा अंश हमने रखा हुआ था पुराना भी, तो उसको हम कंटिन्यू करना चाहते थे। और जो हम वचन मान मर्यादा की बातें कर रहे हैं, आई थिंक वो राजस्थान की मिट्टी में ही है। अगर आप पुरानी लोक कथाएं भी देखेंगे वहां पे ये भर भर के आपको मिलेगी चीज देखने के लिए, कि वहां पे छोटी सी बात बोल लीजिए या एक वचन बोल लीजिए, उसके लिए मर मिटने के लिए हमेशा लोग तैयार रहते थे। तो जो कहानी का इनहेरेंट जो बीज है वो वहां पे बहुत अच्छे से मुझे लगा कि सेट होता है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि कल आपका शो लॉन्च हो रहा है और आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसकी क्या खास वजह? देखिए इसकी कुछ खास वजह तो मैं नहीं कहूँगा कि है। नॉर्मली लॉन्च के दिन ही हम लोग ये कहना चाह रहे हैं शायद कि लॉन्च के दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इसका तो है कोई समझदार मेरे अलावा भी जो बताए। एक्चुअली हमने 7th नॉर्मली 6 से ही होता है या मंडे से ही शो स्टार्ट होता है, सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इस बार एक शो को एक शुभ स्टार्ट देने के उद्देश्य से हमने ट्यूसडे से या 7 तारीख से स्टार्ट करने का सोचा शो को, इसलिए दोनों चीजें अलग रखी गई। हम लोग कल सेट पे, लेकिन हम लॉन्च रख रहे हैं, हम लोग देखेंगे शो अलग अलग करके। आप लोग आमंत्रित हैं, प्लीज मोस्ट वेलकम, या प्लीज खाली देख लीजिएगा। हम मतलब इस तरह अभी बड़े सोबर से लग रहे हैं, कल पता नहीं। हेलो मेरा सवाल है, मेरे काबिल दोस्त ने आपकी तारीफ की कि आपके शो बहुत बेहतरीन होते हैं और सक्सेस रहते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी वजह रही कि जो आपका जो शो पहले शुरू हुआ था पहरेदार इंडिया का, तो ऐसी क्या वजह, कौन सी चूक रही जिस वजह से आपको शो को ब्रेक करना पड़ा और फिर नए सिरे से और नई स्टार कास्ट के साथ शुरू करना पड़ा, या कहीं ना कहीं कहानी की स्टोरी लाइन थी उसमें कहीं कमी रही, या आपने इस स्टोरी को जो हमारा भारतीय संस्कृति की जो सामाजिक ताना बाना है उसकी उधेड़ बंद कर दी जिसकी वजह से आपको ट्रोल होना पड़ा सोशल मीडिया पर तमाम मीडिया हाउस में, क्या वजह रही, कहां झुक रही? पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि ये दूसरा सवाल है, मैं तो उम्मीद कर रहा था शुरुआत ही इसी सवाल से होगी, तो थैंक यू सो मच, मेरा थोड़ा ग्राउंड सेट हो गया थोड़ा बातचीत करके। एक्चुअली उसका बंद करने का बड़ा कारण ये था कि हमें लगा कि कहानी से ध्यान हटके लोगों का अदर एक्टिविटीज में ध्यान जा रहा है, तो जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो सामने कभी निकल के ही नहीं आएगी, क्योंकि लोग उसे गॉसिप का जरिया बना के बैठ गए हैं, और जिसपे राइटर से लेके डायरेक्टर से लेके एक्टर से लेके एक एक शॉट एक एक सीन को बनाने में जान देते हैं, अगर हम कभी भी वो लाइक नहीं करेंगे, राइट? सो बेटर यही था कि हम एक नई कहानी बताएं जिसमें कोई गुंजाइश नहीं हो लोगों की इधर उधर भटकने की, और वो कहानी को देखें और कहानी को एंजॉय करें। अगर उसमें उनको कुछ कमी नजर आ रही है, उनको लग रहा है मजा नहीं आ रहा है या जो भी है, मोस्ट वेलकम, बट कहानी देखें। सो ध्यान हमारा हटाने का उद्देश्य था लोगों का अदर एक्टिविटीज से, दैट्स द ओनली रीजन। हिंदी में काम करने का अनुभव मेरा बहुत ही बढ़िया है, मराठी इंडस्ट्री में मैं पिछले 30 सालों से काम कर रही हूँ, थिएटर किया है मैंने, सत्यदेव दुबे विजय तेंदुलकर इनके प्लेस किए हैं मैंने, तो हिंदी थिएटर काफ़ी किया है मैंने, हिंदी सीरियल मेरी पहली है और बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा है।
नकुशी हमारी एक मराठी सीरियल थी जो शशि सुमित प्रोडक्शन की थी, वहां से मैं यहाँ आ गई और मुझे लगता है कि मुझे एक नई फैमिली मिल गई है. बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि जब तक आप एक फैमिली जैसा बिहेव नहीं करते हैं तब तक ऑडियंस तक आप नहीं पहुंच पाते हैं. सो दिस हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी और मुझे लगता है कि आगे जाके भी मैं ये शो के बाद और एक शो ऐसा शशि सुमित प्रोडक्शन के साथ में काम करती रहूं. धन्यवाद. ये ऐसा कुछ इरादा नहीं, तब तक ऑडियंस का प्यार मिलता रहेगा. अफकोर्स कहानी हमें लगेगा कि मीठी है उतनी, हम कभी भी कहानी को खींचने में बिलीव नहीं करते. सो जब तक हमें लगेगा कहानी में पोटेंशियल है तो तब तक तो टचवुड चलते चले जाएंगे सालों साल. अच्छी इच्छा तो होगी. अनुभव तो अभी तक इतना अमेजिंग रहा है, लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव हैड टिल नाउ. आउट ऑफ नोवेयर एक महीने पहले मैं लाइक आई वुड जस्ट से मैं कुछ नहीं कर रहा था, घर पे बैठा था. एक महीने बाद ऐसी लाइफ चेंज हो जाएगी टू लाइक आई वुड गेट टू प्ले दिस कैरेक्टर बिकॉज इट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एंड वांटेड आई वुड से वांटेड शोज हियर इन इंडिया. एंड उसका जो जो अफान वाज प्लेइंग Ratan, the younger Ratan, he was like, people say that I actually look like the younger Afan. So that was probably one of the reasons that makers chose me, I guess. So, but again, the whole experience till now has been fantastic. We have like, I would just say I'm a learner right now. But the entire cast and crew, everyone, especially the director there, Man sir has been really supportive because I never had time to like even papers what just 3 din the prepare karne ke liye character ke liye, but that is not enough. But the director has been really supportive aur unhone like he just helped me every time. Like main jab bhi dialogue galat bolta tha ya jitne bhi maine fumble kiye hain ya maine kabhi bhi jo bhi galtiya kiye hain, but he has been really supportive. He's like the best teacher ever. How was the crocodile shoot? Crocodile shoot, actually you should have asked except the crocodile kaisa raha aapka shoot. I would just say crocodile part mere haath mein nahi tha, lekin jo the whole scene over there, the promo, it was amazing. Like the experience was amazing shooting that because the water in which I fell, it was so dirty, itna ganda pani tha wo, but kya kare kaam ke liye karna padta hai. And the crocodile sirf mere mujhe nahi dikha itna bada crocodile diya jo meri pehredar hai. Yeah, exactly. तो बहुत सारे वहाँ पे उन्होंने सब प्रोटेक्शन रखी थी हमारे लिए, गार्ड में रहते, क्रोकोडाइल से बच के रहना. नहीं चाहिए यार, पहरेदार है मेरी रक्षा करने के लिए. तो प्रोड्यूसर आप देख सकते हैं जिस सेट के लिए आता हूँ, तो तुम ऐसा कभी मत करना भूल से. हाँ मान के साथ हमारा पहले भी काम में अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है. एंड मुझे ये मतलब इनके मुंह पे आज कह देता हूँ, मतलब इज द पर्सन जिसमें हम एक कह सकते हैं आपके बैंक बहुत कम लोग होते हैं जिनका बैंक कर पाते हैं. और खासकर ये शो जब हम दोबारा बना रहे थे तो हमारे लिए एक यू नो एक नॉच अप होके ही सामने आना जरूरी था. तो उस लिहाज से भी बहुत एक तरह से भार था कह लीजिए या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. बट इज द मैन जिसने बड़ी इजीली सारी चिंताएं और टेंशन और भार अपने ऊपर ले लिया एंड डिलीवर्ड सो नाइस. थैंक यू मैम. अपने दिल का खाते पीते नहीं है, ये चाहते हैं कि मैं भी अपना मन मारूं और मैं ये ना खाऊं वो ना खाऊं.
Like, I mean, come on, like, who's fitter? Like, is it me or them? I'm fitter. Please, yeah. So, yeah, I have worked out. They will not believe that. They will not believe that. But, yeah. No, it's a fact. I'm not even going to pass the mic only. So yeah, I honestly had to kind of work on my stamina also because last time हम जब राजस्थान में थे तो वहाँ धूप के वजह से बहुत मुश्किल हो गया था शूट करना पर इस बार मुझे पता चला था कि बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस भी होने वाले और ये भी पता चला था कि हम लोग बहुत डेजर्ट सीक्वेंस करने वाले हैं तो I didn't want to get tired very fast so I had to honestly work out on my stamina and everything and I think it's turned out pretty well because हमने पूरी शिफ्ट आई थिंक अच्छे से मतलब कवर अप किए और सीक्वेंसेस भी अच्छे से निकले हैं तो इस वजह से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क किया है बट या दैट्स इट हाय और क्या बदलाव देखने मिलेगा आपके कैरेक्टर में सर अलग और डिफरेंट तो है ऑब्वियसली इसलिए एक नया शो है और लास्ट शो में हमने बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जो लोगों को नहीं समझी पर इस वक्त हमने बहुत सिंप्लीफाई की है चीज़ें ताकि हम हमारा कॉन्सेप्ट जो है एक जैसे कहते हैं कि राजपूत अगर एक शब्द देता है तो मरते तब तक उस शब्द को पूरा ही करता है या अगर एक किसी की रखवाली हो या ऐसी कोई भी चीज़ हो वफादारी हो ये सारी चीज़ें हमने पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी जो हम इस पार्ट में शायद एक अलग तरीके से करें पर वो तरीका बहुत ही अलग होगा तो आई थिंक द टू शोज आर एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिया इज नॉट द सेम पर्सन दैट शी वॉज पहले शो की दिया में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है तो या देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स व्हाट यू हैव आपसे भी ये सवाल है कि तेजस्वी पहला वाला नाम आपको ज्यादा अच्छा लग रहा था कि रिश्ता लिखेंगे हम नया पहले मेकर्स से जान लेते हैं ये नाम तो अगेन वही कारण है कि हम पूरा ध्यान ऑडियंस का यही चाहते थे कि शो पे हो यू नो अगर हम वापस उस तरफ ही जाने की कोशिश जितना भी उसमें एक सिमिलैरिटी रखने की कोशिश करेंगे उतना ही उनका ध्यान कहानी से हटेगा हमें इस बार कहानी पे ही कॉन्सेंट्रेट करना और ये पूरा रिश्ता ही एक रिश्ता जो हम बात कर रहे हैं वो इस शो में जो वचन की बात इन्होंने की वो पूरा बेस ही कहानी का एक ये रिश्ता क्या बनेगा इस वचन के बेस पे हमारी कहानी वही है तो कहानी को जस्टिफाई करते हुए हमने टाइटल रखा हाँ मतलब पहले वाली कहानी भी नहीं है जैसे आप कह रहे हैं कि कहानी वही है और हम आगे गए हैं ऐसा नहीं है हमने कहानी क्योंकि बेसिकली जब हमने शो बंद किया जो लोगों की शिकायत थी वो कहानी से थी तो वो सेम कहानी को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं था सो वी चेंज द स्टोरी तो स्टोरी को यही टाइटल सूट करता है ना कि पहले वाला राजस्थान में हमारा एक्सपीरियंस हमेशा ही अच्छा रहता है शूटिंग का बिकॉज एक वहाँ का माहौल वहाँ का एनवायरनमेंट ऑलवेज मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ ससुराल है वो वहाँ हमेशा अच्छा ही रहेगा बाद में बताने वाला था इसने वो फ्रीज डी फ्रीज से पहले ही कर दिया बट ओवरऑल उसका एक एक्सपीरियंस राजस्थान का एक उसकी ग्रेविटी अलग ही है सो आई ऑलवेज एंजॉय शूटिंग इन राजस्थान हेलो ओके शो में आप कब शादी कर रहे हैं बिकॉज आप कह रहे डिफरेंट शो है बट प्रोमो में ये दिखाया गया कि आप वचन वही पूरा कर रहे हैं जो पिछले वाले शो में था सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस शो क्योंकि पहले वाला शो उसमें क्योंकि हमने मेरी और एक छोटे लड़के की शादी दिखाई तो जो प्लॉट जिसको आप अभी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं जो कि है एक वचन निभाना
वो प्लॉट पहले कोई समझ नहीं पाया था, क्योंकि हमने बहुत सी कोशिशें की थी बट इट डिड नॉट वर्क आउट. पर ये जो शो है इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट. जो आप हर एक कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड भी देखें तो वो सेम नहीं है. हर एक कैरेक्टर का रिएक्शन, जैसे वही कैरेक्टर पहले शो में कैसे रिएक्ट करता, वही कैरेक्टर अभी इस शो में बहुत अलग तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक एक नया कैरेक्टर है वो. भले हमने नाम दिया रतन और मासा और छोटे ठाकर सा भी रखा होगा, तो भी वो कैरेक्टर अभी वो नहीं रहा है. वो कैरेक्टर अभी डिफरेंट हो गया है, जिसके वजह से उसके रिएक्शंस डिफरेंट हो गए हैं, जिसके वजह से एक पूरा एक जैसे हम सिचुएशंस क्रिएट करते हैं वो भी बहुत डिफरेंट हो गया है. तो वो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा. ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क, डू यू ऑल सी एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, बिटवीन द प्रोमोज? बिकॉज यू ऑल हैव ओनली सीन द प्रोमोज, इट्स नॉट, इट्स नथिंग सिमिलर टू द प्रीवियस वन एट ऑल. तो हमने बहुत डिफरेंट तरीके से बहुत चीजें पोर्ट्रे करने की कोशिश की. आई डोंट सी देम रिलेटेड एट ऑल. ओके, एंड आल्सो यू वर सीन राइडिंग द हॉर्सेस, देन डिपेंड ऑन द कैमल्स, दैट वाज अ कैमल. सो यू हैव टुक एनी ट्रेनिंग्स एंड ऑल? I had to be honestly trained, but at the location itself, तो जिनके वो कैमल थे उन्होंने मतलब मुझे सिखाया कि मतलब कैसे उसे टर्न करना है, कैसे रुकाना है. तो it was very different, क्योंकि कैमल पे बैठना और किसी की मदद से उसे आगे मतलब उसको राइड करना इज डिफरेंट. और कुछ भी कहो, इन द एंड एक जानवर ही है. मतलब समझ नहीं आता कि कभी गुस्सा आ जाए, कभी उसे उठना नहीं होता था, कभी बैठना नहीं होता था. इट्स एन अदर लिविंग बींग, सो यू डोंट नो हाउ दैट्स गोइंग टू रिएक्ट. तो हमेशा एक डर तो लगा ही रहता था. बट टू मेक द एनिमल अंडरस्टैंड एंड एक्चुअली मेक द एनिमल गो योर वे वॉज वेरी डिफिकल्ट. बट आई थिंक शॉर्ट्स मिल गए अच्छे खासे. आई थिंक आई डिड ओके. ओके, माई क्वेश्चन इज फॉर सुमित सर. सो सर, आर यू एक्साइटेड और नर्वस?